घोर गुंडागर्दी का वातावरण बन रहा है, ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। बिहार में बीजेपी का तेवर अलग ही लेवल पर है, मतलब ढिठाई और लड़ाई की निर्लज्ज परफॉर्मेंस अगर देखनी हो तो बिहार के बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। कुछ दिन पहले फोटो खिंचवाने के लिए दो भाजपा विधायक एक दूसरे को तमीज सिखा रहे थे, अब विधानसभा में भाजपा के एक नेता ने माइक तोड़ दिया है। बताओ ऐसे कौन करता है? ऐसे ही किसी मुद्दे पर बिनबिनाकर अगर राबड़ी देवी चप्पल चला देती है तो बुरा मान जाते हैं। दरअसल इस विधायक का नाम है लखिंदर पासवान, यह बिहार के पातेपुर से भाजपा कोटे के विधायक हैं। अब आती है बात कि इसके बाद कार्रवाई हुई होगी, तो जी हाँ, सदन की कार्रवाई में हंगामा करने के लिए और माइक तोड़ने के लिए पहले तो लखिंदर पासवान से माफी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन सावरकर के बाद माफी मांगने का सिलसिला जरा बीजेपी में कमजोर पड़ गया और भाजपा अब माफी मांगने से जरा सा कतराते, इसलिए ये वाले भाई साहब इनकार कर गए। उसके बाद लखिंदर पासवान को सदन से 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, अभी तो लोकतंत्र की हत्या होनी बाकी है। निलंबन का समाचार सुनकर भाजपा के अन्य सदन सदस्यों का खून खौल उठा और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के इतने उग्र काम को आधार बनाकर निलंबन का फरमान कैसे जारी किया जा सकता है, इस आधार पर भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के नेता प्रतिपक्ष ने बाहर आकर मीडिया से कहा, जानते हैं क्या, सदन से वॉकआउट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा परिसर में आकर मीडिया से कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, निर्दोष विधायक पर कार्रवाई की गई है, एक तरफा खेल है, विधायक को बोलने नहीं दिया गया है। अब बताइए, जिस आदमी ने माइक तोड़ा उसी को बोलने नहीं दिया गया? भाई माइक भी तोड़ा आपने, सदन से वॉकआउट भी किया आपने और लोकतंत्र की हत्या कर दी किसी और ने, थोड़ा समझ नहीं आया। बहरहाल सदन के अंदर से बाहर निकलते ही धड़ल्ले से झूठ बोलने की यह प्रक्रिया, ये आदत नेताओं की पुरानी है। माइक तोड़ने वाला ये कैसे कह सकता है कि उसको बोलने नहीं दिया गया, ये भी समझ से पड़े है। बाकी ढेर सारी भाषणबाजी हुई है, वो सब किसी काम की नहीं है, माइक का तोड़ा जाना इंपॉर्टेंट था जो हमने आपको बता दिया है। वैसे आपको बता दें कि फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की करने वाले लालगंज विधायक संजय सिंह अपने ही किए वादे के बाद 2 महीने से अपने क्षेत्र में जनता दरबार नहीं लगा पाए हैं और जनता आवेदन और शिकायत लेकर उनकी आस देख रही है, आ रही है, घूर कर वापस जा रही है, लेकिन उनके दर्शन दुर्लभ है। खैर, मैं प्रकाश चंद्रा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, पुराने हैं तो लाइक और शेयर भूलिएगा मत। मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। मुद्दा उठाने के रोकने के उद्देश्य से बिहार विधानसभा से 2 दिनों तक निष्कासित किया है, मुझे यह मंजूर है। सदन में नहीं, मैं सदन के बाहर ही वही मुद्दा को उठाते रहूंगा, लखिंदर पासवान को जान चले जाए, इस बात से थोड़ा सा भी मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन बिहार का जो आवाज है, बिहार का दलितों का जो आवाज है, जनहित का जो मुद्दा है, उस मुद्दा को उठाने के लिए ये जंगल राज का सरकार, ये सदन मुझे रोक नहीं सकता है। घोर गुंडागर्दी का वातावरण बन रहा है, ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है।